नागपुर में डोली और दिल्ली में जोनी की चाय बहुत ज्यादा फेमस है। इसी चीज को हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं दिल्ली जामी नगर ओगला बटला हाउस में, जिसकी चाय बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि है जोनी भाई। तो उनकी दुकान बिल्कुल मेरे सामने है, तो आपको लेके चलता हूँ और उनसे थोड़ा रिव्यू लेता हूँ और उनसे थोड़ी बात कराता हूँ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने हैं, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। देख सकते हो आप, ये है जोनी भाई की टीकी शॉप और ये है जोनी भाई। कैसे हो जोनी भाई? एक नंबर। तो सुना आपकी चाय बहुत ज्यादा फेमस है। हमारी चाय बहुत ज्यादा फेमस है। और किस किस तरीके की चाय बनाते हो आप, जरा बता दो व्यूअर्स को। हमारे नॉर्मल चाय बनाता हूँ, तंदूर चाय बनाता हूँ, पाइनएप्पल चाय बनाता हूँ, स्ट्रॉबेरी चाय बनाता हूँ, रोज चाय बनाता हूँ। ये चाय की आइटम होगी, बाकी हमारी आइटम फालूदा है। अच्छा जी, फालूदा, ये सारे फालूदा आप बेचते हो? फालूदा है, मॉकटेल की सारी वैरायटीज है, शेक है, पंच है, टी है, आइसक्रीम वगैरह है, वो पहाड़ वाली जो आइसक्रीम बनती है। अच्छा जी, बनाता हूँ जिसके लिए डिस्प्ले। अच्छा, ये सारी आइसक्रीम जितनी भी हैं आप ये सब बनाते हो? टोटल बनाता हूँ। और चाय बड़ी अच्छी बनाते हो हमने सुना है। चाय सिर्फ अभी 3 महीने चलेगी। अच्छा जी, ठीक है, उसके बाद हमारा नया सेटअप चालू होगा। अच्छा, गोला ऐड हो जाएगा, ये काउंटर पूरी हट जाएगी। अच्छा, ये काउंटर के चाय के हट करके फिर गोले की पूरी आइटम आएगी। गोला और फालूदा ये सब बेचोगे और बेचते हो, एंड जैसे ही ठंड आती है तो आप ये तंदूरी चाय, जो कि तंदूर है यहाँ पे, वो बेचते हो? तो अभी चाय में ऐसा क्या खास बात है? चाय में कुछ हमारा जो हमारी दूध है वो मटका। अच्छा, ये मटके के अंदर ही दूध आपकी पकती है? ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और इसी का टेस्ट आता है? इसकी टेस्ट आती है। अच्छा, और अब कुछ हमारा मसाला वगैरह भी रहता है। अच्छा, सीक्रेट मसाला है कोई? सीक्रेट वो आप बताओगे नहीं? अच्छा, एक चीज बताओ, चश्मे का राज क्या है? चश्मा क्यों लगा रखा है? आप किससे इंस्पायर्ड हो? तो यहाँ पे जो ये है जोनी भाई, ये नागपुर के डोली भाई से बहुत ज्यादा इंस्पायर है और उनकी वीडियो देखिए ये चश्मा लगाते हैं। तो अब इनकी चाय को भी टेस्ट करेंगे। यानी ये देखिए गाइस, बहुत सारे भाई लोग हमारे चैनल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये भी चाय पीते हैं और ये सारे फालूदा गोला सब इनके पास अवेलेबल होता है। तो इनकी चाय को टेस्ट करेंगे, इनका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कैसा है। वैसे मैं एक कप चाय पी चुका हूँ, बट मैं सेकंड कप और लूँगा अपने इन भाई लोगों के साथ बैठ के और आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि कैसी है जोनी भाई की चाय। पहले से आप चाय बना के इसी के अंदर रखते हो केटली के अंदर? चाय बना के इसके अंदर रखता हूँ, फिर ये चाय इधर से निकलती है। अच्छा, मटका उधर से आएगी। अच्छा, फिर पकेगी। अच्छा, पकी हुई चाय है, पूरी रेडी है, बट इसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा, है ना? वो अलग हो जाएगा, पूरी तंदूर की टेस्ट आएगी, तंदूर उधर से आ रही है अभी। अच्छा, फिर टेस्ट अलग हो जाएगा बिल्कुल इसका, है जोनी भाई? तो गाइस, ये कुछ तंदूर है, तंदूर के अंदर ही बहुत सारे ये जो कुल्लड़ हैं ये पक रहे हैं ना भैया? तो पहले गर्म करते हो इसी को आप? लकड़ी में गर्म होती है। अच्छा, लकड़ी का ये बना हुआ है पूरा, इसके अंदर गर्म होती है, उसके बाद चमटे से लेके लगा के उसके बाद क्या करते हो आप? हमारी चाय तैयार हो चुकी है। तो गाइस, टेस्ट करते हैं जोनी भाई की चाय। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इनके मुंह पे बोलूंगा। चाय बिल्कुल नॉर्मल थी, बट जो कुल्लड़ का जो तंदूर का टेस्ट था ना, वो इसके अंदर आ रहा है। एक मिट्टी का जो एक होता है ना, बारिश होती है खुशबू आती है मिट्टी की, वो खुशबू इसमें महसूस हो रही है, एक घूट में वो खुशबू महसूस हो रही है। और अगर आप दिल्ली से हो तो एक बार यार ज़रूर आना यहाँ पे और ऐसी चाय का टेस्ट करना, क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही है, आज संडे का दिन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, बारिश देखो, अभी इस समय रोड पे बारिश हो रही है पूरी, एंड इधर भी देखिए आप। और ये ऐसी चाय अगर मिल जाए ना तो अलग ही मज़ा आएगा, एक बार आप ज़रूर विजिट करना। बाकी जोनी भाई, बाकी नदीम भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। नदीम भाई हमारे एक नंबर है, क्योंकि आज हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे चाय पीने के लिए, इन्होंने ब्लॉग किया, अच्छा लगा हमें। और नदीम भाई बराबर आया करो, रोज आया करो, कोई दिक्कत नहीं, दिल खोल के आपको चाय पिलाता हूँ। गाना गाने के साथ साथ, गाने के साथ मैं चाय भी बनाऊंगा, गाना सुनाऊंगा भी या पिलाऊंगा भी। आप आओगे तो आपको चाय भी मिलेगी, साथ में प्यारे प्यारे गाने मिलेंगे, भाई हमारे सिंगर भी हैं। तो गाइस,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जोनी भाई कुछ और कहना? नहीं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नई टॉपिक के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड नदीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन।